हेलो दोस्तों, नई वीडियो देख रहा है वो शिबा इनू की, जहां पर देख सकते हैं इसका जो रैंकिंग है 16 नंबर पर चल रहा है। लगभग बनाने वाली सीरीज यहाँ पर वापस स्टार्ट हो गई है। 1.25% का प्रॉफिट हमें 24 घंटे के दरमियान देखने को मिल रहा है, जबकि जो फुली डिलीटेड मार्केट कैप है उसमें लगभग हमें 1.24% का प्रॉफिट देखने को मिला है। जो वॉल्यूम है तकरीबन उसमें 15% का लॉस हमें भैया 24 घंटे के दरमियान देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बात करते हैं भैया जो अपडेट निकल गए हैं उनके बारे में, बिकॉज सातोशी कोसामा ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, जिनके तकरीबन बहुत जल्दी 1 मिलियन फॉलोअर्स भी फॉलोवर यहाँ पर ट्विटर पर कंप्लीट होने वाले हैं, उन्होंने यहां पर अपडेट दिया है कि थैंक्स फॉर द चैट अबाउट एवरीथिंग शिव रेडबुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग मोर इन द फ्यूचर। मतलब रेडबुल के साथ में शिबा इनू का कोलैबोरेशन भैया बहुत ही जल्दी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और हमें पता है कि भैया रेडबुल अपना बहुत बड़ा रेवेन्यू बहुत ही बड़े एक पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाता है, कभी स्पेस में, कभी गाड़ियों पर, कभी एरोप्लेन में, मतलब बहुत ज्यादा यहां पर रुपया फूंकता है भैया अपनी एडवर्टाइजमेंट में। और जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भैया इनका हो रहा है उसी प्रकार से भैया शिबा इनू का भी हमें पता है कि चल रहा है। पेड ज्यादा न हो लेकिन फिर भी यहाँ पर शिबा इनू का जो मार्केटिंग का लेवल है वो नेक्स्ट यहाँ पर लेवल पर चल रहा है। तो जितना जल्दी यहाँ पर हमें सामने के रेडबुल और शिबा को कोलैबोरेशन देखने को मिला उतना ज्यादा जल्दी यहाँ पर बढ़िया हो सकता है कि भैया क्रिप्टो करेंसी के तौर पर शिबा इनू और रेडबुल का एक अच्छा कोलैबोरेशन एक अच्छे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर आकर्षित कर सकता है। उसके बाद देख सकते हैं इथेरियम वेल, ब्लू वेल 007 है यहाँ पर, देख सकते हैं फिर से यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर लगभग देख सकते हैं $1.3 मिलियन के यहाँ पर फिर से शिबा इनू को बाय किया, जो यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी संख्या होती है। और देख सकते हैं 302 पर इसका वेल स्टेट पर जो रैंकिंग है भैया चल रहा है। और अभी लगभग बताएं तो लगभग जो मोस्ट सबसे ज्यादा जो वेल्स ने बाइंग की है तो भैया टॉप यहाँ पर ये वेल बन चुकी है ब्लू वेल 007, जो इतनी बड़ी क्वांटिटीज में लगातार शिबा इनू को यहाँ पर बाय की जा रही है। लगभग हर पहले दूसरे दिन हमें यहाँ पर भैया अपडेट आ जाते हैं कि ब्लू वेल 0073 ने यहाँ पर फिर से शिबा इनू को बाय किया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पोलोनियक्स एक्सचेंज की तरफ से 19 मई को, मतलब एक बहुत ही रिगार्डिंग एक अपडेट आया कल कि भैया जो न्यू लिस्टिंग के पैर है उनको यहाँ पर अनेबल कर दिया, जहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन हो गया, उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी बताई गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं भैया शिबा इनू का USDD का यहाँ पर पैर अलाउड हो चुका है, जो हमारे लिए बढ़िया बात है कि भैया USDD के साथ में भी अब यहाँ पर पोलोनियक्स एक्सचेंज पर यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं अगला अपडेट आया है बर्निंग के रिगार्डिंग, जहां पर देख सकते हैं कल अगर मैं बताऊं तो 41 बिलियन के तकरीबन बर्निंग था और आज देख सकते हैं अराउंड 50 बिलियन का बर्निंग भैया अराउंड कंप्लीट हो चुका है, कल तक मेरे हिसाब से हो जाएगा, लेकिन अभी देख सकते हैं 48.556 बिलियन का बर्निंग लगभग यहां पर हमारे एक महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो चुका है, जो यहां पर मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात होती है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड बाय द ट्विटर फॉलोवर एज ऑफ 17 मई 2022, जहाँ पर देख सकते हैं शिबा इनू के यहाँ पर जो फॉलोवर है 3.33 मिलियन चल रहे हैं, जबकि जो डोजकॉइन है उसके 3.36 मिलियन यहाँ पर भैया चल रहे हैं, BNB के चल रहे हैं 8.83 मिलियन और बिटकॉइन के चल रहे हैं 5.25 मिलियन के आसपास, XRP के चल रहे हैं 2.51 मिलियन के आसपास। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी भैया मात्र 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ उसने यहाँ पर देख सकते हैं फॉलोअर्स के मामले में क्रिप्टो करेंसी में चौथे नंबर पर पायदान हासिल कर लिया, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात होती है, लेकिन डोजकॉइन को भैया बहुत ही जल्दी एक शानदार टक्कर मिल सकती है। उसके बाद में बात करते हैं कि भैया शिब ईट 0 और 2022 में क्या आपको लगता है कि शिबा इनू भैया 1.0 को खत्म कर सकता है या नहीं कर सकता, जिस प्रकार से इसके लगातार प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। मेरा अब जो भरोसा है भैया थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शिबा इनू से शिफ्ट होते हुए बॉन पर जा रहा है, बिकॉज जो बॉन है अभी उसके डिप में मार्केट का प्राइस है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर कम चल रहा है, लेकिन जब इसकी लिस्टिंग होगी तो मेरे हिसाब से शानदार प्रॉफिट मेरे को यहाँ पर बॉन में देखने को मिल सकता है। तो यही थे भैया सभी अपडेट अबाउट द शिबा इनू एंड द बॉन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कोई भी कंजूसी मत रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।